व्लॉग नहीं, आज वीडियो, आज एक रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ जो बहुत ही हेल्दी, पौष्टिक और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है वो। तो ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट होने वाली है बिकॉज मेरे को पता है उनको क्या क्या पसंद है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी खजूर की बर्फी विद ड्राई फ्रूट्स। आप उनको खाएंगे और पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। तो आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। तो घर पर बनाना बहुत ईजी है, हर कोई बना सकता है उसे। सो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर की बर्फी, मतलब ड्राई फ्रूट्स का कोई कॉम्पैक्ट सा वो है ये। आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे काजू, अखरोट, बादाम, वाइट वाले तिल, थोड़ी सी मूंगफली और नारियल का बुरादा, और मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारा खजूर। ये खजूरों को मैंने वैसे ना रात को इनके बीज निकाल के, ये नहीं है कि रात को ही निकालने, मेरे को रात को फ्री टाइम था तो मैंने रात को ही निकाल दिए। आप जब बनाने तभी निकालिए। इनके बीज निकाल के इनको मतलब काट लिया मैंने। और ये हैं पॉपी सीड्स, जिसको हम खसखस भी बोलते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 से 2 टेबल स्पून हमें देसी घी चाहिए, बस उस बहुत कम से घी में ये बनेगा और बिना शुगर के, बिना गुड़ के। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है इसको। तो पहले, सबसे पहले हम बादाम, काजू और ये सब जो चीज़ें हैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। मिक्सी में करेंगे तो ज़्यादा ही वो बुरादा बन जाएगा, वो नहीं करेंगे हम, हाथ से कट करेंगे। तो कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को, जैसे मैंने आपको बोला था कि कट करना है, इनको मैंने कट कर लिया। अब हम चलाएँगे सबसे पहले गैस का। तो गैस को मैंने कर दिया है ऑन और कैमरा संभाल लिया मैंने, पहले हस्बैंड के पास था। तो अब मैं आपको साथ के साथ बनाती जाऊंगी, साथ के साथ दिखाती जाऊंगी कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जैसे ही हीट प्रोड्यूस हो जाए इसमें अच्छे से, उसके बाद आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स को और ड्राई रोस्ट करना है सारे ड्राई फ्रूट्स को। आपको बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे आप, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के से क्रंची सा वो आना चाहिए इसे, इसमें पूरी ड्राई रोस्ट करनी है। तो गाइस, ये हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं अपने। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून देसी घी। ये बहुत ही लेस ऑयल से बनेगा, बहुत ही हेल्दी है और विदाउट शुगर। अगर किसी को शुगर जैसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिए है देसी शुद्ध घी और इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद जैसे घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ये हैं पॉपी सीड्स जिनको हम खसखस बोलते हैं, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और वाइट तिल को। ये हो चुका है गर्म अच्छे से। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो कोई भी अपने घर पे इंजॉय कर सकता है इसको। इसके साथ हम इसमें डालेंगे पॉपी सीड्स। जैसे ये खसखस अपना चटक चटक करने लग जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट वाले तिल। ये बहुत हेल्दी होते हैं, तिल तो हमें खाने चाहिए, इनमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है गाइस। तो ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कीजिए जो हाई प्रोटीन होती हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, थोड़ा पास से दिखाओ शुरू, कितना प्यारा कलर आ गया, अच्छे से ये पॉप होने लग गया। अब हमें कर देना है सबसे मेन काम कि जिससे ये जले ना, बिल्कुल गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो, और उसके बीच में हम डालेंगे अपनी जिसके हमने वो निकाले हैं सीड्स, खजूर। अब इसको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको चलाते जाना। अब आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में खजूर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो अब आपके सामने ये हो चुका है मेल्ट, देखो कैसे हमने डाला था और कैसा हो चुका है, एकदम हलवा बन गया इसका। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट जो मैंने ग्रेट किया हुआ है, वो कोकोनट जाएगा इसके अंदर। दीदी कैसा लग रहा दिखने में? बढ़िया लग रहा है। इसको अच्छे से मेल्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स होंगे इसके अंदर। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चलाना है जब तक ये अच्छे से ड्राई फ्रूट्स एकदम खजूर के साथ चिपक नहीं जाते, ठीक है?
इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। अब जैसे कि ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है, अब हम इसको एक अच्छे खुले से बर्तन में निकाल देंगे। अच्छा लगे तेल के अंदर। ठीक है, अब इसको हम हाथ से, अभी थोड़ा गर्म है थोड़ा सा ठंडा होएगा तो हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, बहुत गर्म है तो जैसे कि हल्का ठंडा हो गया, अब मैंने क्या किया है जो ड्राई फ्रूट है इस पर चिपक नहीं पाए हैं उसको मैं ठंडा करके हाथ में ऐसे से इसको, अभी भी गर्म है ये, हल्का हल्का देसी घी लगा के हाथ में आप इसको ऐसे मैं जॉइंट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इसको हमने ऐसे सिलेंड्रिकल गोल कर देना है, ऐसे इसके 3 से 4 ऐसे रोल सिलेंडर्स बन जाएंगे। सारे में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपका दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। अब ये हल्का हल्का ठंडा हो गया तो अभी इजीली आप इसको बना पाएंगे और ये इतना टेस्टी लगता है ना खाने में कि मतलब आप खाओगे तो अगली बार नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाओगे दोबारा से। तो इसको, और ये कम से कम 4 से 5 दिन आप आराम से इसको खा सकते हो, यानी कि 1-2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, आराम से 4 से 5 दिन आप इनको इन्जॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। तो गाइस देखिए आपके सामने, अब मैंने ना ये जो थोड़े से पॉपी सीड्स हैं इनको ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया था हल्का सा इनको डेकोरेशन करने के लिए। तो ये जैसे ये बन गया है हमारा, इसको हम अच्छे से रोल कर देंगे ताकि इसके ऊपर भी थोड़े पॉपी सीड्स लग जाए और ये बहुत क्रिस्पी लगे खाने में। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, हम साइड में रखेंगे और दोनों को हम ऐसे ही चिपका देंगे इसके ऊपर ऊपर अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो फॉइल पेपर है जो हमारे घर में हम जिससे रोटी वगैरह फोल्ड करते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं, ये हमें 3 हिस्सों में कट करना है इसके जितने। इसको हम ऐसे रोल करते हैं, टॉफी टाइप बना के रख देंगे हम, इसे टाइट से फोल्ड कर देंगे इसको, टाइट करते हैं। टॉफी खाओगे ना? खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके अंदर भी हम इसको टाइट कर देंगे। देखो मेरे हाथ पे कितने सारे चिपक गया पॉपी सीड्स। और लास्ट वन ये छोटा रह जाएगा। अभी है लास्ट वाला, अभी हम ऐसे ही टेन परसेंट ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वाली, और ये हेल्दी भी होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को उठा के हमें फ्रिज में लगाना है 1 से 2 घंटे के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। A few moments later. So after 2 hours के बाद ये बहुत ज़्यादा ठंडे में, 2 नहीं एक्चुअली 4 घंटे हो गए हम सो गए थे आप उठे हैं तो अब ये बहुत हार्ड हो चुके हैं। तो इसमें मेरी हेल्प करेंगे ये इसको कट करवाएंगे बिकॉज इतना जोर लगाना पड़ेगा और ये चक्कू बेचारा ना झुक सा है, मतलब तो जोर तो लगेगा ही, इतना भी नहीं, आराम से कट हो जाएगा इस तरह से। पहले ये वाला पीस निकाल देना साइड में, उसके बाद 1 इतना इंच छोड़ के चक्कू का इस तरह नाप के इसके पीसेस कर देना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब वो होते हैं ना, तो कुछ ऐसा निकलेगा देखिए अंदर से। इसके सारे पीसेस करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी खजूर बर्फी, आप भी अपने घर पे बनाइए और खाइए, और अगर आपको नहीं बनानी तो हमारे घर आ जाइए खाने के लिए बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। तो शना कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है दिखने में। अभी ये खाएंगे और ये बताएंगे कैसी है, और डैडी जी को भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। सो ये बहुत हेल्दी है यार।
सो हम टेस्ट कराएंगे डैडी को, क्योंकि डैडी सारा दिन ठंड में घूमते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो डैडी के लिए ट्रीट है ये। डैडी खा के बताओ कैसी लगी। वाह, वेरी टेस्टी, बहुत बढ़िया। डैडी को पसंद आ गई भाई। डैडी गच्चक खाते हैं, उससे अलग ही टेस्ट है ना। अलग से चलो भाई, मिशन सक्सेसफुल हो गया। खा के बताओ। ले बिग बी खा के देख। खाने से पहले वाह भी खाओ। सही नहीं यार, मतलब अच्छा लग रहा है एकदम से, गोल गोल सा काटा भी बड़ा हुआ है। कैसी लग रही है? और सिर्फ एक स्पून घी से बनी है। मतलब यार अलग अलग सा टेस्ट है, सबका अलग अलग टेस्ट आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स का और ये खजूर वगैरह सारे डाले ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब दूध के साथ रात को ना, दूध के साथ तो सबसे बेस्ट लगेगी ये, क्योंकि इसको खाते ना ऐसा फील हो रहा है कि दूध भी साथ होना चाहिए। चाय नहीं दूध। तो हमारे घर में ना सब रात को दूध पीते हैं, दूध पिए बिना कोई नहीं सोता, तो रात को अच्छा रहेगा ये। सर्दियों में तो बहुत बेस्ट है यार ये। आप भी बनाए अपने घर पे और सब खाएं। और अनाया शनाया भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अन्नू है यहाँ पे और शनाया भी है, ये दोनों खा रही हैं खिचड़ी। इनकी डेली रूटीन भी जल्दी आएगी गाइस कि ये क्या खाती है और ये कितनी शरारतें करती हैं दोनों में भी। खिचड़ी खा ले ले, दादू खिला रहे हैं इसको खिचड़ी। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं।